हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। आ जाइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास को करते हैं कंटिन्यू, जो कि आज की आपकी ये दूसरी क्लास है और मैथ की क्लास यहाँ पर हो रही है। मैंने आपकी पहली क्लास जो ली थी वो साइंस की क्लास ली थी, जो कि मैंने 7 बजे शेड्यूल किया था। दूसरी क्लास मैंने जो आपकी यहाँ पर ली है वो मैंने यहाँ पर 8 बजे आपकी क्लास ली है। 2 क्लास का मैंने टाइम रख लिया है, 1 7 बजे और 1 8 बजे, आपको 2 क्लास करेंगे क्योंकि 1 महीने का टाइम इंटरवल और काफ़ी कुछ हम कवर करके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पे हम फुली डिस्कस करेंगे और बातों को समझ के आगे बढ़ जाएंगे, फिर सीरीज करेंगे और चीज़ों को हम कवरअप कर लेंगे, यही प्लानिंग है। इस बार मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का सोचा है, जितने इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को मैं कवरअप आपको यहाँ पर करवाऊंगी। तो मैथ का आपका जो लॉगरिथम वाला चैप्टर था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, आज उसकी दूसरी वीडियो जहाँ पर ये आपको मिल रही। मैथ की प्लेलिस्ट बनी, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मिल जाएगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस अपनी पंचुअलिटी को बना के टाइम पर आना है और क्लास को अटेंड करना है। इस वक्त आप जुड़े शानी का साथ, लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम अगर हो रही तो कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना होगा, चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में जैसे भी दिक्कत होगी जो भी चीज़ें होंगी हम बताएंगे। तो ये लॉग का क्वेश्चन अब आपको लगाना है। मैंने लॉग के जो नियम थे, 6 नियम लगभग हमारे सिलेबस में हैं, नियम तो बहुत सारे लेकिन हमें छोटे वाले बेसिक ही पढ़ने, तो 6 नियम मैंने आपको बता दिए थे, उन्हीं 6 नियम को ध्यान में रखना है। तो आइए पहला क्वेश्चन लॉग का है और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। दिया गया है पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर है, यदि लॉग बेस ए की वैल्यू 2 की पावर x+4 बराबर लॉग बेस ए की वैल्यू 256 है तो एक्स का मान क्या होगा। आपको डायरेक्टली एक्स के वैल्यू को फाइंड करना है, लगाइए फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व होगा। कॉपी पेंसिल लीजिए और फटाफट लगाने का प्रयास करिए। बेसिक तरीके से अगर आप लगाएंगे तो लगा ले जाएंगे, जो जो चीज़ें कही गई हैं और जो जो इनके नियम हैं उसी के बेस पे सॉल्व होगा। लगाइए, लगाने का प्रयास करिए कि आपका राइट आंसर क्या आएगा। यदि लॉग बेस ए 2 की पावर x+5 x+4 दिया है इक्वल टू लॉग बेस ए 256 होगा तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत आसान है, समझाया है मैंने, कुछ एग्जांपल्स कल भी परसों भी लगवाया था और अभी भी लगवा रही हूँ, देखते हैं कैसे लगेगा। आई होप सो कि आपको, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो 2 बार वीडियोस को देख ले, चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी, समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए तो बेस लॉग ए, बेस लॉग ए, बेस क्या है हमारा, दोनों का इक्वल ही है। हमें क्या करना है कि 256 जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म में तोड़ना होगा, ऐसे मल्टीपल रूप में हमें तोड़ना होगा जिसको हम आसानी से कुछ इसके बराबर करें कि हम इसको तोड़ के कुछ कर पाएँ। तो 256 डायरेक्टली हमें कैसे तोड़ सकते हैं, 256 तोड़ने के लिए किस टर्म में तोड़ेंगे कि ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले लिखेंगे लॉग बेस ए 2 की पावर x+4 इज इक्वल टू लॉग बेस ए 256। नीचे आएंगे हम 256 को तोड़ेंगे तो ये 8, ये आप 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये 3 × 3 = 6 और बार कर दो तो ये 2 की पावर 8 का मतलब आप समझते हैं 256 के बराबर है। करके आप देख लीजिएगा आपका 256 ही निकल के आएगा वहाँ पर। अब आपने क्या किया कि 256 को तोड़ दिया, तो नीचे स्टेप में लिखेंगे लॉग बेस ए 2 की पावर x+4 इज इक्वल टू लॉग बेस ए 2 की पावर 8। ठीक है, ये 2 स्टेप समझ में आया कि कैसे हुआ, कहाँ से आया, कौन सा वैल्यू आया, कहाँ पर क्या हुआ। अब आपको देखना, जब हमारे बेस समान होते हैं तो कॉमन हो जाता है, मतलब कट जाएगा ना, ये लॉग बेस ए है, लॉग बेस ए, बेस क्या है हमारा, समान है, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंजेस नहीं, ये यहाँ से हट जाएगा। बचा क्या, अब हमारा ये जो लॉग बेस ए की पावर 2 की पावर 8 है और यहाँ पर 2 की पावर x+4, ये पूरा सिस्टम यहाँ से, पूरी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी, कट जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम सेम है। अब क्या बचा, x की पावर 4 x+4 = 8, आराम से निकल के चला आएगा। एक्स का मान क्या होगा, 8 − 4 = 4। तो जो आपसे ये ऊपर एक्स की वैल्यू पूछी गई थी कि लॉग बेस ए 2 की पावर x+4 इज इक्वल टू लॉग बेस ए 256, एक्स का मान बताइए, ये जो एक्स यहाँ पर दिया गया था इस एक्स का मान 4 है, अगर आप यहाँ पर 4 रख के वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कुछ यही आंसर आपका निकल के आएगा। चेक नहीं करना है हमें फिलहाल के लिए, लेकिन आपको ये प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा तो आप कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको लॉगरिथम में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम अभी तक यहाँ पर आप में से किसी को नहीं, क्योंकि 1 क्वेश्चन करवाया और वे सोल्यूशन आपको दिखाया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैंने लिया है लॉग बेस ए 6 की पावर हमको दिया है 1296। ठीक है, क्या दिया है, 1296 कितने के बराबर है, 4 के। तो इसको हमको घातांक के रूप में बताना है, यानी कि हमको पावर के रूप में, हमको इंडिसेस के रूप में बताना है। कैसे बताएंगे,
अब हमको 1296 क्या करेंगे कि 1296 आए, थोड़ा सा सोचिए कि कैसे आप 1296 को ला सकते हैं। लॉग 6 दिया है, 1296 = 4, तो क्या करेंगे, तो कुछ इस तरीके से करिए, देखिए आपका आ जाएगा। आप 6 × 6 × 6 × 6 करेंगे तो ये बराबर कितने को होगा, 1296। बहुत छोटा सा एक लाइन का मैथ का क्वेश्चन भी होता है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। वो आपका यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप आंसर में उसके लिखेंगे लॉग बेस 6^4 = 1296, यही आपका आंसर होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये छोटे वाले प्रश्न आपके बहुविकल्पी में एक नंबर के बन सकते हैं बेसिक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log x की पावर 1000 = 3 में से x का मान, ये जो x है इसका मान बताना है। अब x की वैल्यू फिर इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है और आप लगाइए। चलिए फटाफट ईच एंड एवरी वन कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, बेसिक चीज़ें हैं, समझा रहे हैं, समझ जाइए, देखिए दो बार में देख लीजिए, अगर एक बार में नहीं आ रहा है लेकिन आएंगे प्रश्न ऐसे ही। तो यहाँ पर दिया है log x = log x 1000 = 3, तो x का जो मान है वो आपको बताना है, कैसे बताएंगे। तो हम जब ऐसे प्रश्नों से पूछे जाते हैं तो ये दिमाग में रखना चाहिए कुछ चीज़ें हमें ब्रेक डाउन करनी होंगी, या तो कुछ चीज़ों को हमको स्क्वायर के रूप में या हमको रूट के रूप में दिया, कुछ ऐसे तरीके से तोड़ के आपको उसका आंसर लाना होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि क्या हम 1000 को 10³ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बताइए क्या आप 1000 को 10³ के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए कुछ इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कैसे कर रहे हैं देखिए। हमने क्या किया, पहले तो लिख दिया log x 1000 = 3, अब हमने 1000 को शॉर्ट फॉर्म में लिखा 10³, अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ उसी रूप को दूसरे रूप में चेंज करके लिख दिया, तो log x 10³ = 3। अब आपको मानना है, आपको पता है कि जब भी आपको यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर दिए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10³। आपको समझना क्या है कि कैसे आप करोगे, आपको ये चीज़ बहुत ही क्लैरिटी के साथ ध्यान रखनी होगी कि हमेशा आपको घातों को देखना होगा, ठीक है। घातें जब आपकी सेम रहेंगी तो आपका बेस अगर सेम है तो बेस हमारा हमेशा बेस कट जाता है, और घातें हमारी सेम रहती है हमारी घात कट जाती है। तो ये लिख उठेगा 3 × 10³, ठीक है, सिंपल तरीके से। ये 3 से 3 होगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से आपको अगर जैसे दिया हो कि 2^6 दिया है या 2^4 फिर आपको 4 दिया है, तो ये चीज़ें आपके क्रॉस में कट जाती है क्योंकि सेम जो घातें सा अगर बेस समान है तो बेस कट जाता है ना, इसी तरीके से आसान है, लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। नेक्स्ट आइए और इसको लगाने का प्रयास करिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि log 7 × 4/8 का मान बताना है, log 7 × 4/8 का मान बताना है, कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। आराम से मैं दिखा के मैंने सॉल्व किया, मैं सारा दिखा देती हूँ, आपको एक बार में नहीं आ रहा अगर तो दो बार में आप वीडियोस को देख सकते हैं। कैसे करना है, log 7 × 4, इसको कुछ हमको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होता है। तो हमने एक रूल पढ़ा है, हमने रूल क्या पढ़ा है, log m/n = क्या होता है, log m - n, यही होता है ना, log m - log n। तो कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी सेम चीज़ों को करना होगा। जैसे हमें दिया है log 7 × 4/8, हम इसको लिख सकते हैं अभी तो हमको इस फॉर्म में, हमने इसको दूसरे फॉर्म में एक्सपेंड फॉर्म में जब लिखा तो हम लिखेंगे log 7 + log 4 = क्योंकि ये चीज़ जब चीज़ों को जोड़ो तो गुणा का नंबर निकलता है, तो log 7 + log 4 - 8 होगा, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा, ये माइनस में आएगा लॉग के टर्म में। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्या लिख लिया हमने, log 7 + log 4 - log 8, log 7 की वैल्यू log 4 की वैल्यू log 8 की वैल्यू लिखनी होगी और आपको जोड़ घटाना माइनस करके इसका आंसर लाना होगा। अब इसके लिए एक बात और नोट कर लीजिए, नोट क्या करना है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के लॉग की टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की लॉग टेबल पूरी तरीके से क्लियरली पता है तब आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से आप कर लेते हैं, आपको 1 नंबर 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको लॉग टेबल नहीं आया तो थोड़ी सी आपको वहाँ पर दिक्कतें महसूस होंगी, क्योंकि पेपर में कभी कभार क्या होता है लॉग टेबल के लिए लिख देता है साइड में कि इसका लॉग का टेबल ये होगा, लेकिन 1 से 10 तक का बहुत कम ही लिखता है, उसके ऊपर का लिखता है। तब जैसे log 7 की वैल्यू रखती है क्या होगा, 0.8450, log 4 की वैल्यू 0.6020 और log 8 की वैल्यू 0.9030 होती है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसमें से आप जो है log 8 की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो जोड़ेंगे जब हमें तो उसका आंसर निकल के आएगा 1.447। अब इसमें से माइनस करिए तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 0.5440, तो आपका ये यहाँ पर मान निकल के आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको जो लॉगरिथम का चैप्टर दे उसमें लॉग की टेबल की वैल्यूज को पुट करके भी इस तरह के कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे
जो कि वहाँ पर आपको लगाने होंगे प्रॉपर तरीके से। सबसे अच्छा चैप्टर कह सकते हैं, और नंबर हमें फ्री के दिला देगा, हमारी बैक लगने के सवाल नहीं उठेगी जो 12 में ले आने हैं। तो जो आसान चैप्टर है उसे पकड़ अपनी बना लेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई? कोई भी बातें दिक्कत नहीं होंगी, बेसिक है, समझो आ जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ लगाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये लगाइए, log x प्लस 5 log y माइनस log z। जरा लगाने का प्रयास करिए, लगाइए कैसे लगाएंगे। आज की आपकी दूसरी क्लास है, मैं दूसरी क्लास मैनेज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अब एग्ज़ाम है, चीज़ें हैं, आप बार बार कह रहे हैं, तो मैंने दो क्लास, एक 7 बजे और एक 8 बजे टाइम पर आने का प्रयास करिए। अगर आप 15 भी आ रहे हैं तो 15 बजे फिर देखिए देखिए कि आप वहाँ पर 15 आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो हम 15 के लिए भी मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम है, वो बच्चे भी पास होंगे तो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। चलिए लगाइए ज़रा, log x प्लस 5 log y माइनस log z, कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, कुछ तो सोचिए, कैसे क्या चेंज होगा, क्या हाँ वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्क करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा खुद से प्रयास करिए। लगाइए कैसे लगाएंगे, आंसर लगाइए कैसे लगाएंगे। आप लोगों को मैंने एक सवाल दिया था, लेकिन आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक आंसर दिया था, लेकिन बहुत कम, किसी का रिप्लाई शायद नहीं था। मैंने एक सवाल आप लोगों को आधा अधूरा करके दिया था, जिसका आंसर आप लोगों को बताना था, लेकिन आप में से किसी का भी रिप्लाई उस प्रश्न को लेकर नहीं आया था। चलिए आगे देखते कैसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, दिया है log x प्लस 5 log y माइनस z, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब कभी भी ऐसे ही पावर यहाँ पर बेस की पावर में रहता है तो ये हमेशा आगे आ जाता है, तो आगे आता तो पीछे भी जा सकता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log x प्लस log y की पावर 5 माइनस log z, ठीक है। अब ये log x ये log y है, दोनों प्लस में है तो कॉमन हो जाएगा, log x y की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आराम से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बना, log x y की पावर 5 माइनस log z, आराम से, जिस तरीके से आपने जो इसके पहले वाला सवाल था जिसमें आपने 7 × 4 माइनस 8 बाई एक्सपेंड किया था, कुछ उसी तरीके से ये भी। अब हमको इसको उसी रूप में चेंज करके लिख देना है, क्योंकि हमें इसमें x के मान से संबंधित कोई बात नहीं पूछी गई कि x का मान निकालना है, तो सेम लिख दीजिए, log x y की पावर 5 बाई z, ठीक है, ये आपका हो गया। तो कन्वर्टेबल फॉर्म के जैसे क्वेश्चंस आपको लॉग में देखने को मिलेंगे, एक बार वो निकालने को आएगा तो एक बार इस फॉर्म में हमको चेंज करने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लॉग बेस ए लॉग बेस टू 3x माइनस 2 लॉग बेस 2x प्लस लॉग बेस 2x प्लस 3। बेस जो है वो सबका समान है और उसको आपको सॉल्व करना है। लगाइए लगाइए लॉग बेस, जिसका बेस 2 है, 3x माइनस 2 लॉग बेस 2 का x प्लस लॉग बेस 2x प्लस 3। सवाल है सिंपल साधारण, अब आप लगाइए तो चीज़ें आपको आ जाएंगी। अब ये कैसे हो रहा है, इसको करने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें आपको क्या बताई जा रही हैं। कैसे करना है देखो, log बेस 2 3x माइनस log बेस 2x की पावर 2। अब x की पावर 2 यहाँ पर क्यों हुई, क्योंकि ये पावर यहाँ, ये 2 यहाँ पर है, ये यहाँ तक आ जाएगा, और log 2x प्लस 3 सेम उसी तरीके से सब हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब देखो क्या हम log बेस 2 ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये वाला और ये वाला आप कॉमन ले लो, मतलब आपको जो आपस में सेम सेम है ना बेस, तो फिर अलग अलग क्या, हम एक बार एक ही बार में लिख सकते हैं, तो log बेस 2 3 ये 3x x प्लस 3 ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पर आ गया, और आपको ये जो टर्म था जो माइनस का सेट होता है वो हमेशा नीचे आता है, तो ये x की पावर 2 नीचे आएगा। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लास्ट में लिख सकते हैं, log बेस 2 3x प्लस 3 की पावर x, तो ये x है, ये x यहाँ पर जाएगा कट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, इसीलिए ये आपका आंसर निकल कर ये आएगा। तो इस तरीके का भी सवाल आपको सॉल्व करने को आएगा, ध्यान रखिए किसी किसी में वैल्यू रखने को आएगा, तो किसी किसी में आपको इस तरीके से मान निकालने को आएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए क्या दिया है, 10 की पावर x इज़ इक्वल टू 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू log बेस 10 की पावर 5, और log 10 बेस की पावर 5 का मान क्या होता है, 0.6989, तो log 5 log 6 log 7 log 8 log 9 log 10, आपको 10 तक वैल्यू इसको कंफर्म याद करनी होगी, 10 तक याद कर लेंगे तो कर ले जाएंगे। आइए नेक्स्ट लगाइए, नेक्स्ट में क्या दिया है, log बेस 8 की पावर 3 प्लस 1/2 log बेस 8 की पावर 25 बराबर है log बेस 8 x को सॉल्व करना है। ज़रा लगाएं, ज़रा लगाने का प्रयास करें कि सॉल्व करें कैसे लगेगा, क्या आपको इसमें करना होगा जो आपके आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, फ्रेंड्स डेफिनेटली आ जाएगा, बहुत ईजी है। कैसे लगाओगे देखो,
अब आप लिख दोगे log बेस 8 की पावर 3 प्लस log 8 बेस 8 25 की पावर 1/2, क्योंकि ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम, सही है। log बेस 8 की पावर x, अब क्या करोगे, अब देखो, अब लिखोगे log बेस 8 की पावर 3 प्लस log बेस 8 की पावर 5। ये 5 यहाँ पर कैसे आया, इसको मैंने बगल में सॉल्व किया। ये देखिए 5 को हम 1/25 की पावर 1/2 है, इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना कि 5 की पावर 2 की पावर 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसीलिए हमने 25 की पावर 1/2 को 5 के रूप में लिख दिया। अब इधर क्या लिखेंगे, log 8 की पावर x। अब क्या करना है, अब जान रहे कि जब घाते अलग है और बेस जो है, आधार जो है वो समान है, तो घाते आपस में गुणा हो जाती हैं। तो log बेस 8 3 इंटू 5, ये इसका 3 इसका 5 और log बेस 8 बराबर x चल रहा है। अब आप देखोगे इधर भी घात समान, जो जो आधार है बेस है वो भी समान है, इधर भी बेस समान है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बचे 15 बराबर x, x का मान क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो आपकी ये क्लास मैं करना चाहूँगी यहीं पर ओवर, जिसमें से आपको मैंने 17-18 मिनट की दो दो क्लास मैंने अरेंज की कि आपको वो वहाँ पर 20 मिनट की यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, आपके लिए दो क्लास हो जाएगी। एक साइंस मैंने पढ़ाया और एक मैथ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, और 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको किए थे और 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक सवाल था हमने जो किया। इसी तरीके से और भी सवाल करेंगे सभी चैप्टर्स में मैथ के। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं समझ में आता है तो एक दो बार वीडियोस को देख लीजिए, समझ में आ जाएंगी। मिलेंगे कल, आप अपनी टाइमिंग को ध्यान रखिएगा कि एक क्लास आपकी 7 PM पर चलेगी, एक क्लास आपकी 8 PM पर, वही दो क्लास का टाइम फिर से रहेगा जिस पे हम क्लास किया करते थे। लाइव क्लास अगर कुछ होनी है, कोई डेट वगैरह बतानी है, कुछ भी अपडेटेड, तो वो मैं लाइव आके बताऊंगी, उसका एक अलग टाइम रहेगा जो टेलीग्राम पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, तब चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।